नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर हाजिर हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों निरोबिन 4 टैबलेट के बारे में। आज हम आपको बताएंगे दोस्तों कि इस टैबलेट का जो बेनिफिट है वो क्या है, ये किन किन बीमारियों में यूज होती है, और अगर आप इसे केमिस्ट के यहाँ से ख़रीदने जाते हैं तो आपको ये कितने रुपये की पड़ेगी दोस्तों। और हम आपको बताएंगे कि इसकी कंपनी कौन सी होती है और इसका साल्ट पूरा क्या होता है। और ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है, वीडियो पूरी देखिए दोस्तों। और हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, वो वीडियो को सब्सक्राइब करके ही जाएँ दोस्तों, बेल आइकन दबाइए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो देखने के बाद वीडियो लाइक भी कीजिए दोस्तों। और आगे आप किस मेडिसिन का वीडियो चाहते हैं आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं दोस्तों, हम आपको उसी मेडिसिन का वीडियो बनाकर देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस टैबलेट की। यह टैबलेट है निरोबिन 4। ये निरोबिन 4 टैबलेट है दोस्तों, बहुत पुरानी टैबलेट है। और सबसे पहले बात करते हैं इसकी MRP की दोस्तों। इसकी MRP आती है 34 रुपीज़ एंड 70 पैसे, और फॉर 30 टैबलेट, मतलब कि 34 रुपये 70 पैसे की ये 30 टैबलेट आती हैं। आप कोई भी मेडिसिन ख़रीदें, देख लिया करें कि उसकी MRP के आगे लिखा हुआ कि, मतलब कि फॉर कितने टैबलेट की वो MRP है। मतलब किसी टैबलेट में 30 टैबलेट की आती है ये, किसी में 20 की, किसी में 10 की, ज़्यादातर 10 की टैबलेट स्टिप आती है। तो जैसे इस पर 34 लिखा हुआ है 30 रुपये, तो 30 टैबलेट की ये 34 रुपये की स्टिप है, ठीक है दोस्तों। ये 30 टैबलेट इसकी ऐसे आते हैं। बात कर लेते हैं इसकी कंपनी की दोस्तों। तो जो इसकी कंपनी है वो भी हम आपको दिखा देते हैं कि ये कौन सी कंपनी की आती है दोस्तों। और इसकी जो कंपनी है यह है दोस्तों, कंपनी इसकी कंपनी यह है प्रोक्टर गैम्बल हेल्थ लिमिटेड की आती है ये दोस्तों। पहले ये मर्क कंपनी की आती थी, हो सकता है अब इसने प्रोक्टर ने ख़रीद ली हो ये, तो अब जो आ रही है ये प्रोक्टर गैम्बल हेल्थ लिमिटेड की आ रही है दोस्तों ये। और बात कर लेते हैं इसकी साल्ट की, इसके अंदर साल्ट क्या होता है। एक तरह से जैसे कि ऊपर लिखा हुआ भी है विटामिन B कॉम्प्लेक्स विद B12। और ये देख लीजिए दोस्तों, इसके अंदर यह है थायमिन मोनिफोरेट 10 mg, रेविफ्लाविन 10 mg, पायरीडोक्सिन 3 mg, और इसके अंदर साइनोबालामिन 15 mg, और निकोटिनामाइड 45 mg, कैल्शियम भी आता है इसके अंदर दोस्तों 50 mg। तो दोस्तों ये एक तरह से मल्टीविटामिन टैबलेट है, बी कॉम्प्लेक्स है, जिन लोगों को खुश्की रहती है वो ले सकते हैं, जिनके जोड़ों में दर्द रहता है वो ले सकते हैं इसको सुबह शाम, जिनको थकान रहती है वो ले सकते हैं, जिनका BP लो रहता है वो ले सकते हैं। और अगर आपको किसी मेडिसिन से दवाई से खुश्की हुई है तो आप इसे खुश्की कम करने के लिए ले सकते हैं दोस्तों, एनर्जी लाने के लिए आप इसे ले सकते हैं, जनरल वीकनेस के लिए आप इसे ले सकते हैं। जो स्वस्थ आदमी है जिसको कोई बीमारी नहीं है, लगता है केवल थकान है, कमजोरी सी लग रही है, तो इसे लगातार आप ले सकते हैं, और इसे महीना दो महीना लेकर बंद कर देना चाहिए, फिर महीने दो महीने गैप करके दोबारा ले सकते हैं आप इसे। बच्चों को नहीं देनी चाहिए, ये एडल्ट की टैबलेट है, महिला भी खा सकती हैं इसे, पुरुष भी खा सकते हैं, और इसे यहाँ तक कि जो गर्भवती महिलाएं हैं वो भी खा सकती हैं, क्योंकि ये गर्म नहीं है। बी कॉम्प्लेक्स के अंदर, बी कॉम्प्लेक्स ठंडा साल्ट होता है एक तरह से, विटामिन B और कॉम्प्लेक्स विद B12, तो ये एंटीऑक्सीडेंट टैबलेट है एक तरह से, इसे कोई भी ले सकता है, स्वस्थ आदमी भी ले सकता है जिससे उसे आगे कोई बीमारी ना आए, और जो बीमार है वो भी ले सकता है कि उसे दवाई खुश्की ना करे या जनरल कमजोरी है तो। लेकिन फिर भी मैं आपसे फिर कहूँगा कि दोस्तों ये एक तरह से जो टैबलेट है ये एलोपैथिक है, और इसका इस्तेमाल आप अपने चिकित्सक की देखरेख में करें, अगर आपके चिकित्सक आपको कहें तभी लें। हम नहीं चाहते कि आप कोई भी मेडिसिन लें और उसका कोई साइड इफेक्ट हो, तो पहले आप एक बार अपने चिकित्सक से सलाह ले लें, उसके बाद ही दवाई का इस्तेमाल करें। और ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं, और आगे आप कौन सी मेडिसिन का वीडियो देखना चाहते हैं वो भी हमें आप बता सकते हैं दोस्तों। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें,
वीडियो को लाइक करें दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।